संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बगल के कमरे में फंदे से लटकता मिला 17 वर्षीय किशोर का शव। परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, नहीं की कोई कार्रवाई, जिसके चलते आज हुई घटना। परिजनों का आरोप, मेरे बेटे के साथ कुछ दिन पूर्व अपहरण और चुनौती की घटना घटित हुई। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज बेटे ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जामो थाना के बगल का पूरा मामला है। घटना का संबंध पिछली घटना से। क्या मामला है पूरा? 4 तारीख को मेरे नाती का अपहरण हुआ है। मैं के अड्डे से खुटाना से साइकिल लाद कर दो लोग चले गए। दो लोग इसका हाथ बांधकर, मुंह में रुमाल बांधकर पल्सर मोटरसाइकिल से बैठा लिए और इसको फिर नहर रोड से होते हुए आए उमरपुर पुलिया। उमरपुर पुलिया से अंदर अलीपुर गांव घुस के निकले सर्वोदय स्कूल से घुस के निकले उमर रामपुर चौधरी से निकले बटपुरवा और वहां से ले जाके पहुंचे संभाई के बियर हाउस पे, जहां उसको उतारा। तो दोनों लोग नशे में थे। जब ये एक आदमी को अकेले पाए तो इसका हाथ किसी तरह खुल गया, उतार के खड़ा किए थे। एक आदमी को मार करके भागा वहां से, अपना मोबाइल ले लिया और इसके हाथ की सेंसर घड़ी नहीं मिली, इसकी टी शर्ट नहीं मिली, इसकी चप्पल नहीं मिली, बनियान और पैंट शर्ट सब फटी हुई थी। जब भाग कर कादू नाला के पुल पे आया तो फोन किया, उस समय उन लोग थाने में मौजूद थे। थाने में फोन आया कि 1 लाख रुपए की फिरौती की बात पहले कही गई थी, लेकिन जब हम लोग थाने में थे तो आया कि मैं कादू नाले पे आ गया हूँ, पापा हमको जल्दी से आके उठा लीजिए, नहीं तो पीछा करके फिर ना पकड़ ले मुझे। तो हम लोगों ने बताया कि ये बक्सा वाले मुजीब का घर है, आप लोग जल्दी से बेटा थोड़ा और बढ़ जाओ, पीछे से लाइट आए तो रोड छोड़ देना, और जब रोड छोड़ लाइट ना दिखे तो रोड आकर के मुजीब के घर में घुस जाओ, बच जाओगे। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद गए ले आए और ले आने के बाद यहाँ उतारा, तो जैसे यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे उतारा बेहोश हो गया। और दिन में जब 11:30 बजे वो आई तब उसने सारी घटना का बयान बताया। इस संबंध में आपने पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस को सूचना दी, वो एप्लीकेशन नहीं ली आज तक। आज जब फंस गया मामला, डिप्रेशन में उसने आत्महत्या कर ली, तब जा करके उन्होंने अब 4 तारीख की FIR लिखी है और तब आज की सूचना लिखी है।